Hello students, Professor Raspit Kaur here. Welcome to my channel Theory Guru. तो अभी तक हम तीन parts कर चुके हैं Factors Act के, अभी तक समझ आ रहा है आपको? तो इस part में हम करेंगे Factors Act further. 1948 याद हो गया सबको, ठीक है? ये है हमारा part 4th. तो इसके अंदर बेटा हम discuss करने जा रहे हैं safety के regarding, ठीक है? देखो, जो ऑक्यूपायर होता है उसकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है कि जितने भी वर्कर्स उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है? किसी भी मशीन से उन्हें कोई चोट ना पहुंचे, ठीक है? उन्हें कोई हार्म ना हो, और जो मशीन्स डेंजरस हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं इस एक्ट के अंदर, और उसे वो फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, ठीक है? तो ये सेक्शन कवर करता है 21 to 41, और इस वीडियो के अंदर हम अभी सिर्फ 12 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो सेफ्टी का जो ये है प्रोविजन वो किसके साथ डील करती हैं? कंटेन्स अ प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. और बेटा जो ये प्रोविजन्स है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती हैं इन नेचर. एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि दीज आर कंप्लीट और परफेक्ट इन क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? परफेक्ट इन क्वालिटी होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब जो भी सेफ्टी मेजर्स वो ले रहा है आधे अधूरे नहीं होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए प्लस क्वालिटेटिव होने चाहिए. सेफ्टी के मामले में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है? तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट वन इज फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 21. तो फेंसिंग का मतलब आपको पता ही है कि उसके बाउंड्री क्रिएट करना, ठीक है? तो कहते हर एक मशीनरी की कंपल्सरी फेंसिंग होनी चाहिए, और अगर कोई बहुत डेंजरस पार्ट है मशीनरी का तो उसकी फेंसिंग तो सिक्योर्ड होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, ठीक है? तो सिक्योर फेंसिंग होनी चाहिए किसी भी डेंजरस पार्ट की. और जो ये फेंसिंग करने की लायबिलिटी है, लायबिलिटी किसके ऊपर होती है? ऑक्यूपायर के ऊपर, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट का अभी हमने क्या मीनिंग करा कि जो भी वो करेगा फेंसिंग, जिस भी मशीन की वो फेंसिंग करेगा, दैट मस्ट बी कंप्लीट एंड दैट मस्ट बी क्वालिटेटिव. तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी है, खाना पूर्ति नहीं करनी, सीधी सी बात है, ठीक है? प्रॉपरली फेंसिंग होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए प्लस कंप्लीट होनी चाहिए. और एम्प्लॉयर ये कह के नहीं बच सकता कि इस मशीन की फेंसिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मैकेनिकली फिर इसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता, मतलब कोई मैकेनिकल रीजन या कमर्शियल रीजन वो नहीं दे सकता कि मैंने इस वजह से फेंसिंग नहीं करी. इवेड का मतलब होता है बेटा बचना, तो एम्प्लॉयर कैन नॉट इवेड, मतलब जैसा भी वो रीजन दे दे पर वो बच नहीं सकता. तो फेंसिंग करनी बहुत जरूरी है. अच्छा, आगे स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है? स्टेट गवर्नमेंट फर्दर प्रिकॉशंस भी बता सकती है. किसी भी फैक्ट्री में अगर लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि जितनी इस एक्ट में बताई गई है वो तो करी हुई है उन्होंने फॉलो, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह का उनका काम है उन्हें और प्रिकॉशंस की जरूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट फर्दर प्रिकॉशंस भी बता सकती है किसी फैक्ट्री के लिए, और किसी भी फैक्ट्री को एग्जम्प्ट भी कर सकती है फ्रॉम दिस प्रोविजन. तो ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये आप किसी भी सेक्शन के अंदर लिख सकते हो. सारी पावर्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं. अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे फेल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं हम. अदरवाइज जो प्रेफरेबली कौन ये सब करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये पॉइंट सब में लिख सकते हो आप. अब कहते सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली डेंजरस पार्ट का क्या मतलब है? डेंजरस पार्ट बच्चे किसी भी मशीनरी को वो कह रहे हैं, कोई भी मशीनरी जो कि डेंजर कॉज कर सकती है, डेंजर का कारण बन सकती है. वो डेंजर कैसे आ रहा है? चाहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग, चाहे नेग्लिजेंस के कारण, चाहे कोई आउटसाइड सोर्स के कारण, मतलब मशीनरी के साथ जुड़ा हुआ जो डेंजर, जो खतरा है, चाहे तो वो काम करने के दौरान आ रहा है, चाहे किसी की गलती के कारण आएगा, या चाहे आउटसाइड सोर्सेज की वजह से आ सकता है. तो रीजन कोई भी हो, लेकिन ऑक्यूपायर की लायबिलिटी बनती है कि वो ऐसे मेजर्स ले जिससे कि वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और वर्कर्स की सेफ्टी हार्म ना हो. इस पॉइंट का क्या मतलब है? कि मतलब अगर वर्कर की निग्लिजेंस की वजह से भी वो डेंजर अराइज हो सकता है तो भी ऑक्यूपायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना. क्लियर? सो दूसरा हमारे पास आ जाता है वर्क
ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन. मशीनरी इन मोशन मतलब जो मशीनरी अभी चल रही है. तो कहते हैं अगर कोई भी मशीनरी इन मोशन है, वो चल रही है, और उसको या तो एग्जामिन करना है या उसकी लुब्रिकेशन करनी है, मतलब कोई फ्यूल वगैरह उसके अंदर डालना है, तो वो कौन डालेगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेशली ट्रेन्ड एडल्ट मेल. ठीक है, एडल्ट होना चाहिए और मेल होना चाहिए और ट्रेन्ड होना चाहिए. ठीक है, और वो कैसे डालेगा? टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन के. क्लियर. और उस बंदे का नेम रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करना जरूरी है कि कौन सा पर्सन है जो कि ये सारे काम करता है लुब्रिकेशन का या एग्जामिनेशन का व्हाइल मशीनरी इज इन मोशन. राइट. और कहते हैं वर्कर शैल हैंडल अ बेल्ट एट अ मूविंग पुली ओनली व्हेन. पहले तो देख लेते हैं, ये होती है पुली. ठीक है, इसके ऊपर चढ़ी हुई है बेल्ट, तो इसकी बात कर रहे हैं. कहते हैं जब ये मूविंग है, ये चल रही है, तो कोई भी वर्कर इसको तभी हैंडल करे अगर इस बेल्ट की जो विड्थ है इज नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर. ये जो विड्थ आप देख रहे हो, ये 15 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा नहीं है तो ही कोई वर्कर इसको हाथ लगा सकता है. और पुली जो है वो नॉर्मली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइव होनी चाहिए. मतलब ये जो आपके सामने है, ये है नॉर्मली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइव. इस तरह की ही पुली होनी चाहिए, बैलेंस्ड व्हील वाली पुली नहीं होनी चाहिए. ये जो सेकेंड इमेज आपके सामने आई है वो है बैलेंस्ड व्हील पुली, ये वाली नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट वाली जो फिगर आपको नजर आई है वो वाली पुली होनी चाहिए, तभी कोई भी वर्कर मूविंग पुली को हाथ लगा सकता है या उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है या उसकी लुब्रिकेशन कर सकता है. ठीक है. और कहते तभी करनी है, मतलब ये गुड कंडीशन में होनी चाहिए. बेल्ट की भी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए और जो पुलीज हैं उनकी भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. और जब वो कर रहा है इसकी एग्जामिनेशन, तो सिक्योर फुट होल्ड, मतलब जहां पे वो हाथ रख के उसको होल्ड कर सकता है, या हैंड होल्ड. फुट होल्ड हो गया पैर रख के, हैंड होल्ड हो गया हाथ से पकड़ के. ठीक है, तो मतलब प्रॉपर पैर रखने की जगह भी होनी चाहिए और प्रॉपरली हाथ रखने की जगह भी होनी चाहिए, तभी वो उसको एग्जामिन करे. और एग्जामिन करने के दौरान अगर वो किसी भी पॉडी का यूज कर रहा है, लेडर का यूज कर रहा है, तो वो फिक्स्ड होनी चाहिए, सिक्योरली फिक्स्ड होनी चाहिए, ताकि वो फिसल ना जाए या उसको किसी तरह से चोट ना लग जाए. और कोई भी वुमेन या यंग पर्सन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यंग पर्सन एज पर दिस एक्ट, अंडर द एज ऑफ 18 के नीचे नीचे जितने भी होते हैं वो सारे यंग पर्सन होते हैं. ठीक है, तो कोई भी वुमेन या यंग पर्सन शेल बी अलाउड टू डू सो. उनको अलाउ नहीं है कि वो ये इस तरह के काम करें. और इसमें एक पॉइंट कवर होता है बेटा, कहते कि अगर जहां पे काम चल रहा है, ठीक है, वहां पे ये नोटिस लगा हुआ है. नोटिस क्या है? सेफ्टी एड्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज. ये नोटिस बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, लगा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो सेफ्टी एड्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, तो कहते हैं ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इलिटरेट वर्कर्स को बताना, या उसके ऊपर बर्डन नहीं आता उनको बताना इस बात के बारे में. मतलब अगर इलिटरेट वर्कर को चोट लग गई और वो अपने ही एक्सपेंसेस के ऊपर सेफ्टी एड्स लेने चला गया, तो कोई बात नहीं, उसको कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं आता. बिकॉज वो इलिटरेट है तो ये उसकी गलती है, अदरवाइज एम्प्लॉयर ने तो नोटिस बड़ा बड़ा लगा रखा है ना कि सेफ्टी एड्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज. ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयर के ऊपर इस बात का बर्डन नहीं आता. तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, सेक्शन 23. तो कहते किसी भी यंग पर्सन को डेंजरस मशीन के ऊपर तभी एम्प्लॉय करना है अगर उसको फुली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं, और प्रिकॉशंस जो उस मशीन के ऊपर काम करने से पहले प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो सारी प्रिकॉशंस भी उसने ली हैं, और उसको सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है उस मशीन को चलाने की, और जब वो मशीन चला रहा है तो एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट भी उसको प्रोवाइड की जा रही है, कि कोई ना कोई एक्सपर्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है कि कहीं पे भी अगर वो गलती करने लगे तो एक्सपर्ट उसे रोक दे, ताकि उसके साथ कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी ना हो. ठीक है,
और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ यंग पर्संस के ऊपर अप्लाई होता है, वुमेन के ऊपर अप्लाई नहीं होता. क्लियर हो गया? सो फोर्थ वी हैव इज स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस टू कट ऑफ पार्ट, सेक्शन 24. स्ट्राइकिंग गियर क्या होते हैं? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बेल्ट. बेल्ट अभी हमने देखी, तो बेल्ट की मूवमेंट, अब जैसे हम झूले लेते हैं ना, वो पुली के थ्रू ही चलते हैं. आपने देखा कैसे जब वो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम की कैसे एकदम झटका लगता है, फिर पेंडुलम की स्पीड बढ़ जाती है, फिर झटका लगता है, फिर पेंडुलम की स्पीड बढ़ जाती है. दैट इज स्ट्राइकिंग गियर. वो स्पीड बढ़ाने के लिए स्ट्राइकिंग गियर देते हैं, है ना. और कहते हैं वो स्ट्राइकिंग गियर्स के लिए जब भी स्पीड बढ़ानी है तो स्ट्राइकिंग गियर देना पड़ता है. वो स्ट्राइकिंग गियर के जो अप्लायंसेज हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए, अच्छे अप्लायंसेज यूज करने हैं. अब देखो वो जो पेंडुलम वाले, उन्होंने अच्छे अप्लायंसेज यूज नहीं किए होते, कितनी जोर से झटका लगता है हमें, है ना. वैसा नहीं होना चाहिए. अच्छे एफिशिएंट मैकेनिकल अप्लायंसेज यूज करने हैं फॉर स्ट्राइकिंग गियर्स. और कहते जब वो बेल्ट्स यूज में नहीं है, ड्राइविंग बेल्ट्स व्हेन नॉट इन यूज, तो ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दो शाफ्टिंग्स के ऊपर घूमने के लिए. शैल नॉट बी अलाउड टू रेस्ट और राइड अपॉन शाफ्टिंग्स इन मोशन. मतलब जब बेल्ट्स यूज में नहीं है तो उनको स्टॉप कर दो, ठीक है. उनको ऐसे रेस्ट नहीं देनी ड्यूरिंग मोशन की, कोई बात नहीं मोशन में चलती रही, उनको रेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, क्लियर. तो उनको बंद कर दो. और कहते हैं अगर कभी अचानक मशीनरी अभी मोशन में है और हमें पावर ऑफ करनी पड़े, ठीक है, इमरजेंसी के वाइल हमें पावर कट करनी पड़े, तो सूटेबल डिवाइसेस होनी चाहिए हमारे पास. ऐसा नहीं है कि किसी को करंट लग जाए या कोई हादसा हो जाए, ठीक है. तो इतने सूटेबल डिवाइसेस होनी चाहिए जिनके थ्रू हम इमरजेंसी में कट कर सके पावर की सप्लाई को. क्योंकि देखो फैक्ट्री के अंदर जब काम चल रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से हमें अचानक जो है मशीन को रोकना पड़े. तो मशीन को अचानक रोकने के लिए सूटेबल डिवाइसेस होनी चाहिए और वो डिवाइसेस हर एक वर्क रूम में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है. तो फिफ्थ हमारे पास आता है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, जो अपने आप चलती हैं, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, सेक्शन 25. तो कहते हैं जहां पे भी सेल्फ एक्टिंग मशीन्स लगी हुई हैं, उसके 45 सेंटीमीटर तक के एरिए में कोई भी पर्सन को जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मशीन्स कैसी होती हैं, अपने आप रेस्ट पे जा रही हैं, अपने आप चल रही हैं, अपने आप रेस्ट पे जा रही हैं, अपने आप चल रही है. तो ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को नहीं पता और वो उसके नियर बाय चला गया और अचानक से मशीन चलनी शुरू हो गई, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है, सेल्फ एक्टिंग है. तो इसलिए कितना एरिया, कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक ही, दूरी के बाद ही कोई भी पर्सन वहां से वॉक ऑन करे, ठीक है. और कहते चीफ इंस्पेक्टर जो है वो परमिशन दे सकता है कि इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले फैक्ट्रीज के अंदर जिस तरह से मशीन चलाई जा रही थी वैसे ही चलती रहे, जितना एरिया प्रोवाइड किया जा रहा था वैसे ही प्रोवाइडेड हो. और मतलब सिंपल मीनिंग क्या है कि इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद जितनी भी फैक्ट्रीज बनी हैं उनके ऊपर ये वाला रूल एप्लीकेबल है कि जहां पे सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हैं उसके 45 सेंटीमीटर तक के एरिया में कोई भी पर्सन वॉक ऑन ना करे. तो सिक्स हमारे पास आता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, सेक्शन 26. केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी मतलब सराउंडेड बाय, कवर करना उसको, ठीक है. तो ये जो सेक्शन है वो कब से लागू हुआ, आफ्टर 1 अप्रैल 1949. मतलब 1 अप्रैल 1949 के बाद जो भी फैक्ट्री इंस्टॉल करी गई, जिस इंस्टॉल करी गई फैक्ट्री के अंदर ड्रिवन बाय पावर मशीनरी, मतलब कि इस डेट के बाद जब किसी भी फैक्ट्री के अंदर ऐसी मशीनरी इंस्टॉल करी गई विच इज ड्रिवन बाय पावर, जो पावर के थ्रू चलती है, तो क्या करना है, वो सारे पार्ट विच आर नॉट रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स वाइल इन मोशन. मतलब जिन पार्ट की फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती वाइल दे आर इन मोशन, समझ गए, कि जब वो चल रही है मशीन, तो जो पार्ट्स हमें बार बार एडजस्टमेंट्स के लिए यूज नहीं करने, उन्हें कम्प्लीटली एनकेस्ड कर दिया जाए. एनकेस्ड का मतलब होता है क्लोज फिटिंग सराउंड, कि उनको उनके इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए, क्लोजली फिटिंग कर दी जाए, जिनकी बार बार एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती.
और कहते अगर ये बात कोई नहीं मानता तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 मंथ्स की, और फाइन लग सकता है अप टू ₹500, या दोनों चीजें इम्पोज की जा सकती है। मतलब उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी, उसको जेल भी हो सकती है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। क्लियर? और ये ऑब्लिगेशन मिडल मैन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो मैंने मशीनरी खरीदी थी, मैंने इस चीज का फॉलो नहीं किया, इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया और मैंने मशीनरी आगे बेच दी। अब वो बंदा मिडल मैन हो गया ना, ठीक है, ऑनर तो मैं थी, अब मैंने उसको सेल कर दिया, अब वो ऑनर बन गया, तो ये चीज उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। और मान लो कि उसने क्या किया, उसने जो है वो फर्दर हायर पे दे दी किसी को यूज करने के लिए, हायर पे दे दी, तो उसने भी फेंसिंग नहीं कराई, तो जिसने हायर पे ली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इस प्रोविजन को फॉलो करने की। तो जो भी मिडल मैन होंगे उनके ऊपर भी सेम ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल है, और अगर वो बंदा नहीं फॉलो करेगा तो उसको भी इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों चीजें इम्पोज की जा सकती है। सो 7th वन वी हैव प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। कॉटन ओपनर्स, जहां पे कॉटन ओपनर्स होते हैं ना उसके आसपास कहते प्रोहिबिट किया गया है वुमेन या चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करना। तो वही बात बोलिए, शेल नॉट एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच अ कॉटन ओपनर इज एट वर्क। तो जिस रूम के अंदर कॉटन ओपनर लगा हुआ है उस रूम के अंदर किसी भी वुमेन को या किसी भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना फॉर प्रेसिंग द कॉटन, कॉटन को प्रेस करने के लिए। बट बहुत बड़ी बात होती है, बट क्या कहता है, कहता अगर कॉटन ओपनर उसी रूम के अंदर सेपरेट कर दिया गया है, पार्टीशन कर दी गई है, ठीक है, रूफ तक ऊपर तक पार्टीशन किया गया है उसी रूम के अंदर, तो वहां पे वुमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जा सकता है। और इनफैक्ट मोर ओवर, अगर कॉटन ओपनर के लिए इफेक्टिव मीन्स लिए गए हैं प्रिवेंशन के, तो वुमेन और चिल्ड्रन को वहीं पे भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। अब कॉटन ओपनर इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, जैसे वो सारी रुई इकट्ठी हो रही होती है ना, तो इसके अंदर जब डाल दो तो दूसरी साइड से कैसे निकलती है, ऐसे बड़ी तेजी से आती है और वो बहुत उड़ती है, ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब कॉटन को एकदम अलग अलग कर रही है, ओपनर, इसको कहते हैं कॉटन ओपनर। तो कहते हैं जहां पे इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं ऑक्यूपायर ने कि कोई नुकसान नहीं होगा ना ही वुमेन को ना ही चिल्ड्रन को, तो वहां पे उनको एम्प्लॉय किया जा भी सकता है। क्लियर? अब 8th हमारे पास आता है हॉइस्ट्स एंड लिफ्ट्स। हॉइस्ट्स का मतलब देखो क्या लिखा है मैंने, रेज समथिंग बाय मींस ऑफ रोप्स एंड पुलीज, किसी चीज को उठाना, तो उसे कहते हैं हॉइस्ट। एंड लिफ्ट, ये वो वाली लिफ्ट नहीं है जो हमें उठा के लेके जाती है, ये वो वाली लिफ्ट है जो फैक्ट्री के अंदर सामान को उठाती है, ठीक है, सेक्शन 28। तो कहते जो भी हॉइस्ट हैं, जो भी लिफ्ट्स हैं, वो गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हो उनकी, साउंड मटेरियल यूज किया होना चाहिए उसके अंदर, एडिक्वेट स्ट्रेंथ, मतलब कि भार अगर उठाना है तो स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होनी चाहिए भार उठाने की, प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए, थॉरली एग्जामिन्ड थोड़े थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद, आफ्टर 6 मंथ, हर 6 महीने में उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है और उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है कि कहीं से कोई रस्सी तो नहीं खराब हो गई, वो मतलब टूटने वाली तो नहीं, या कोई भी घिस तो नहीं गया पार्ट इस तरह का, तो मतलब थॉरली एग्जामिन करना है विद इन एवरी 6 मंथ। और कहते हर एक हॉइस्ट या लिफ्ट के ऊपर लिखा होना चाहिए प्रॉपरली कि ये कितना भार उठा सकती है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट या होटल के अंदर लिफ्ट को यूज करते हैं तो लिखा होता है ना कितने केजी वो पर्सन को ऊपर लेके जा सकती है, अगर उससे ज्यादा भार हो जाएगा तो वो चलती नहीं है, तो जब तक एक पर्सन वहां से उतरेगा नहीं तब तक वो चलेगी नहीं। इसी तरह से कहते हैं मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड शुड बी क्लियरली मार्क्ड कि ये हॉइस्ट या ये लिफ्ट कितना भार उठा सकता है। अब कहते हैं जो केज होता है हॉइस्ट का, एवरी हॉइस्ट और लिफ्ट का केज, देखो इस तरह का केज, ठीक है, अंदर जो ग्रे आपको नजर आ रही है वो है लिफ्ट या हॉइस्ट कह लो, ठीक है, और जो येलो में आपको नजर आ रहा है वो होता है केज, प्रॉपरली केज।
अब जो ये केज है, कहते हैं फिटेड विद अ गेट, इस केज का एक अच्छा सा गेट होना चाहिए, प्रॉपरली इंटरलॉकिंग डिवाइसेस होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब उसको लॉक करना प्रॉपरली, वो गेट लॉक होता हो जब तक कि सामान पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच गया या जब तक कि ऊपर से पूरी तरह से ग्राउंड पे नहीं आ गया, तो इन बिटवीन वो गेट खुलना नहीं चाहिए, इंटरलॉकिंग डिवाइसेस होनी चाहिए। और अगर आपने केज इंस्टॉल करा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के बाद आपने अपनी फैक्ट्री में केज लगवाया है, तो क्या करना है, एटलीस्ट टू रोप्स और चेन्स सेपरेटली कनेक्टेड विद द केज, उस केज के साथ, ये देखो, उस केज के साथ एटलीस्ट टू रोप्स और चेन्स सेपरेटली अटैच्ड होनी चाहिए। क्यों अटैच होनी चाहिए, कहते ताकि अगर रोप्स ब्रेक हो जाएं या चेन टूट जाए या अटैचमेंट्स अगर खराब हो जाएं, तो एफिशिएंट डिवाइसेस होनी चाहिए उसे सपोर्ट करने के लिए। मतलब आप अपने आप को डबल इंश्योर करके चलो, एक तो रोप्स भी लगानी है, ऊपर से चेन्स भी लगानी है, ऊपर से एफिशिएंट डिवाइसेस भी लगानी है, मतलब इन केस आपके पास अगर रोप टूट जाती है तो भी बैकअप प्लान हो, अगर चेन टूट जाती है तो भी बैकअप प्लान हो। क्लियर। फिर आ जाता है एफिशिएंट ऑटोमेटिक डिवाइसेस आपने लगवानी है ताकि केज को प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम ओवर रनिंग। मतलब कई बार भार जो है ज्यादा हो गया तो केज ऐसे हिलने लग गया, ओवर रनिंग हो गई, तो ऑटोमेटिक डिवाइसेस होनी चाहिए जो उसको फिर से स्टेबल कर दे और किसी भी पर्सन को कोई हार्म ना हो। फिर हमारे पास आ जाता है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। अब इसमें बात कर रहे हैं सारी लिफ्टिंग मशीन्स अदर देन अ होइस्ट एंड लिफ्ट। पीछे जो हमने बात करी दैट इज होइस्ट एंड लिफ्ट, उसके अलावा जितनी भी लिफ्टिंग मशीन्स हैं वो इस सेक्शन के अंदर आ जाती है। तो वो सारी भी जितनी भी लिफ्टिंग मशीन्स हैं वो सारी गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उनकी अच्छी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, साउंड मटेरियल यूज करना है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड थॉरली एग्जामिन्ड वंस इन एवरी ईयर। पीछे वाले सेक्शन में हमने करा वंस इन एवरी सिक्स मंथ्स, और इसके अंदर कह रहे हैं कि उन होइस्ट और लिफ्ट के अलावा जितने भी लिफ्टिंग मशीन्स हैं उनको हमने थॉरली एग्जामिन करना है वंस इन एवरी ईयर। ठीक है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है व्हाइल एनी पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन और नियर द व्हील ट्रैक ऑफ अ ट्रैवलिंग क्रेन। ये होता है व्हील ट्रैक ऑफ अ ट्रैवलिंग क्रेन। देखो, ट्रेन जो है येलो पोर्शन के ऊपर ट्रैवल कर सकती है, क्रेन, ठीक है, क्रेन ट्रैवल कर सकती है येलो पोर्शन के ऊपर, और जो ये येलो पोर्शन है उसको बोला जाता है व्हील ट्रैक। तो कहते हैं अगर कोई भी पर्सन या तो इसके ऊपर या इसके आसपास काम कर रहा है तो क्रेन जो है कम से कम 6 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। क्रेन अपना काम तो कर रही है, वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक लिफ्ट करके लेके जा रही है, लेकिन वो बंदे की जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि वो क्रेन से कम 6 मीटर की दूरी पे हो, ताकि इससे क्या होगा, सेफ्टी पर्पस के लिए, और कोई हार्म ना हो उसे। क्लियर। फिर हमारे पास आ जाता है रिवॉल्विंग मशीनरी सेक्शन 30, रिवॉल्विंग मशीनरी। अब कहते हैं जिस फैक्ट्री में ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, ग्राइंडिंग मीन्स ये देखो वो बड़े बड़े होते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं इतनी तेजी से, और हम जो है कोई भी मेटल को उसके आगे लेके जाएंगे तो वो उसकी शेप बनती जाती है। वो देखो आग निकल रही है ना, ऐसे करके जैसे वो शेप बना रहे हो, तो इतनी तेज वो रिवॉल्व करते हैं, ग्राइंड करते हैं चीजों को, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जिस फैक्ट्री के अंदर ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, ठीक है, ये ग्राइंडिंग की एग्जाम्पल नीचे इमेज के अंदर, तो वहां पे उसके पास परमानेंटली नोटिस फिक्स कर दो कि मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है इसकी। अगर क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड रखी जाएगी तो पर्सन से मैनेज नहीं होगी और मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस मशीन के आसपास नोटिस लगा हो कि कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, ठीक है, और इफेक्टिव मेजर्स भी ऑक्यूपायर ले ये इंश्योर करने के लिए कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे वो सबको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, नॉलेज प्रोवाइड करे, बार बार उनको बोले, इफेक्टिव मेजर्स ले ताकि किसी भी सूरत में स्पीड उससे ज्यादा ना हो और किसी भी वर्कर को हार्म ना हो। फिर हमारे पास आता है 11th, दैट इज प्रेशर प्लांट। वो पानी का प्रेशर हो सकता है, गैस का प्रेशर हो सकता है, कोई भी प्लांट जिसके अंदर प्रेशर है, सेक्शन 31।
तो कोई भी प्लांट या मशीनरी जो ऑपरेट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर के ऊपर, अबव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होती है, तो उसके लिए भी ऑक्यूपायर इफेक्टिव मेजर्स ले कि जो प्रेशर है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा प्रेशर हो गया तो पर्सन के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। अब सिर्फ पानी की एग्जांपल ले लो, पानी का देखो जब वो आती है फायर ब्रिगेड तो कितना प्रेशराइज पानी वो छोड़ती है, हमारा टैप वाला पानी तो नहीं बुझा सकता, है तो वाटर ही, वो भी वाटर है, और जो फायर ब्रिगेड डालती है वो भी वाटर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, प्रेशर का फर्क है। अब जैसे हम अपनी एक्टिवा बाइक वगैरह धुलवाते हैं तो उसमें भी प्रेशर पंप्स यूज किए जाते हैं ना धोने के लिए, वो कैसे मिट्टी निकल जाती है बिल्कुल, तो वहां पे भी कहते हैं सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ऑक्यूपायर ने, इंश्योर करना है कि प्रेशर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना वो कोई भी रूल बना सकती है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द मशीनरी, कि जो भी मशीनरी प्रेशर के साथ रिलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है कि इस मशीनरी के प्रेशर को कैसे एग्जामिन करना है और कैसे टेस्ट करना है। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी मेजर्स की गाइडलाइन भी इशू कर सकती है कि हर एक ऑक्यूपायर इस तरह के प्रेशर के लिए इस तरह के सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करे। तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हीं प्रोविजंस के बीच के पॉइंट्स को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, इवन एग्जम्प्ट भी कर सकती है। सो ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। 12th हमारे पास आ गया फ्लोर्स स्टेयर्स एंड मींस ऑफ असेस, फ्लोर्स स्टेयर्स मींस ऑफ असेस सेक्शन 32। कहते जो भी फ्लोर्स हैं स्टेयर्स हैं या पहुंचने के रास्ते हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन साउंड होनी चाहिए, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, वो फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होने चाहिए, मतलब सब्सटेंस जो यूज किया गया है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, इट लाइकली टू कॉज पर्सन टू स्लिप, फ्री फ्रॉम स्लिपरी, ठीक है, पर्सन स्लिप ना करे। और कहते शैल बी प्रोवाइडेड विद सब्सटेंशियल हैंड रेल्स क्या होती हैं, ड्रिल्स वगैरह, मतलब अगर कहीं पे थोड़ा बहुत स्लिपरी भी है तो वहां पे हैंड रेल्स। अब जैसे कहीं पे देखो वो स्लाइड्स दे रखी होती हैं हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो व्हील चेयर के ऊपर होते हैं, तो वहां पे तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि अगर कोई पर्सन वैसे ही वहां से उतरना चाहता है वो स्लाइडिंग से, तो हैंड रेल्स जरूर होनी चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं गिरने से, तो ये भी सेफ्टी के लिए जरूरी है। और कहते जहां पे भी कोई पर्सन 2 मीटर की ऊंचाई पे काम कर रहा है, ठीक है, जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पे काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर फुट होल्ड होना चाहिए और हैंड लेड होनी चाहिए, मतलब जहां पे वो प्रॉपरली अपना फुट टिका सके और हाथ भी टिका सके, ठीक है, ये दोनों चीजें मस्ट हैं फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए, जहां पे भी कोई भी पर्सन हाइट के ऊपर काम कर रहा है, हाइट कितनी एक्सीडिंग 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा। ओ माय गॉड, ये क्या है, बारिश हो रही है और पीछे बंदा फिसल गया, है ना, तो इसके अंदर एक पॉइंट कवर होता है, कहते अगर बारिश के टाइम पे कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ हुआ है फैक्ट्री के अंदर और कोई स्लिप कर जाता है तो नो ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज्ड, तो ये जो गिरा हुआ पर्सन है वो ऑक्यूपायर को जाके ये नहीं कह सकता कि तुमने अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं निभाई इसलिए मैं गिर गया, तो यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो है उसने ब्रीच कर दी ऑक्यूपायर ने, क्योंकि वो अपनी गलती से गिरा है और ये कुछ नेचुरल था जिसकी वजह से वो बंदा स्लिप कर गया। क्लियर, सो लर्न करें फटाफट से 12 पॉइंट। तो चलो एक बढ़िया सी एग्जाम्पल फिर से पार्क में हमारे बैठे हैं वर्मा जी, ठीक है, वर्मा जी आए पार्क में चले गए अपने, ये ऐसे दोस्त हैं जो डेली पार्क जाते हैं और डेली बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो शर्मा जी हैं वो पहले से बैठे हुए हैं पार्क के अंदर। अब वर्मा जी आए, ओए शर्मे न्यूज देखी प्रोविडेंट फंड वाली, क्या कहते हैं, न्यूज देखी प्रोविडेंट फंड वाली। अब शर्मा जी क्या कहते, फास्ट वे न्यूज चैनल पर सुनी थी, सभी नारा लगा रहे थे हम लेकर रहेंगे प्रोविडेंट फंड, हम लेकर रहेंगे प्रोविडेंट फंड, याद हो गया। तो इसी से हमारे डिवेलप होंगे 12 पॉइंट्स। एफ स्टैंड फॉर फेंसिंग, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, ई स्टैंड फॉर
employment of young persons on dangerous machines. S stands for striking gear and devices for cutting off power. Again, S stands for self-acting machines. C stands for casing of new machinery. P stands for prohibiting employment of women and children near cotton opener. H stands for hoist and lift. L stands for lifting machines. R stands for revolving machinery. P stands for pressure plant. F stands for floors, stairs and means of access. Clear? तो बेटा ये चीज अगर आप याद कर लेते हो ना तो आपको सेक्शंस जो है लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब ये चीज ऐसे सीक्वेंस में याद कर लोगे तो सेक्शंस भी आपको सीक्वेंस में ही लिखने हैं. अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो सेक्शंस भी आपके फिर आपको याद नहीं रहेंगे. क्लियर? तो ये अच्छी सी एग्जांपल आप याद कीजिए. और इसके बाद अभी इसके पॉइंट्स हैं और वो हम सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे, आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम पे सबको इन वीडियोज का एडवांटेज मिल सके. और अगर आपको किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर उसको सॉल्व करेंगे, आपको और क्लियर करवाएंगे ये पॉइंट के बारे में. ठीक है? तो धीरे धीरे थ्योरी गुरु आपके लिए एक वन स्टॉप शॉप बन जाएगा, जहां पे आपको कॉमर्स का हर सब्जेक्ट का की हर वीडियो और हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी. तो जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, दैट इज थ्योरी गुरु. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.